कितनी गाड़ी वापस की हो आज? अभी वहाँ तो नहीं आए। अभी क्या बज रहा है? अभी क्या बज गए? कितनी गाड़ी वापस करें? देश की राजधानी में बढ़े वायु प्रदूषण को रोकने और लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट ने गुरुवार रात को दिल्ली से लगती सीमाओं से प्रवेश कर रहे भारी वाहनों का निरीक्षण किया। उन्होंने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के कार्यान्वयन का जायजा लिया, साथ ही ट्रैफिक पुलिस को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों और ट्रकों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को फटकार लगाते भी दिखे, साथ ही उन्हें सख्त निर्देश दिए कि हर हाल में नियमों का पालन करवाया जाए। अरे कितनी गाड़ी वापस की है अभी तक? कितने नंबर की? देखो अभी आते तो हमारे आते आते 4-5 गाड़ियां हैं। अभी कितनी वापस वापस तो काम करते हो या वो करते हैं? टोल वाले पुलिस भी रहते हैं, उसी में गोपाल राय के अलावा शिक्षा मंत्री आतिशी ने गाजीपुर बॉर्डर पर वाहनों का निरीक्षण किया और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के कार्यान्वयन का जायजा लिया। आतिशी ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर निरीक्षण करने के बाद हमें पता चला है कि बॉर्डर पर सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे ट्रक हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों का निरीक्षण करते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि हमें शिकायतें मिल रही हैं कि ग्रैब 4 नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा। ग्रैब 4 के कार्यान्वयन का मतलब है कि केवल आवश्यक वस्तुओं वाले ट्रक ही दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। हम गुरुग्राम आए और नियमों के क्रियान्वयन में लापरवाही देखी। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए इन नियमों का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है।